आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। विक्टर मर चुका है कुमार साहब, अब मैं विकी हूं, जिसका इस शहर में रुतबा है, दौलत है, इज्जत है। कल मैं कॉरपोरेशन का चुनाव जीत सकता हूं, परसों इस शहर का मेयर बन सकता हूं। दोस्तों, आज जिस एक्टर की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था 70s के दौर में। वो कहते थे कि मेरी फिजिक इतनी अच्छी थी और मैं अच्छी एक्टिंग भी कर लेता था, इसलिए मुझे लगा कि मैं बड़ी आसानी से फिल्मों में हीरो बन सकता हूं। और वो मुंबई आ गए, और मुंबई आने के बाद यहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को मुझ में एक एक्टर नज़र नहीं आया, मेरी फिजिक देख के मुझ में एक फाइटर नज़र आया, और उन्होंने मुझे छोटे छोटे रोल दे दिए फाइटर के, और मुझे 25 से 30 साल लग गए ये प्रूफ करने के लिए कि मैं एक अच्छा एक्टर भी हूँ। और वो हैं द वर्सेटाइल शरत सक्सेना। आपको कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ करना होगा वो हम खुद कर लेंगे। आप सिर्फ 24 घंटे के लिए गफूर बस्ती की तरफ ना तो जाएंगे और ना ही देखेंगे। अरे कितना महीना से तुहार राह देखत रहे, ई और हम हूँ। ये लोग पहचान गए हमका। अरे हम जानत रहे राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जाओ अंदर जाके अपना घर में देख लो, तुहार घर तुहार यादें सब सहेज के रखे हैं हम। 17th August 1950 में शरद जी पैदा हुए थे सतना में, जो मध्य प्रदेश में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भोपाल में की और उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। शरद जी की फिजिक बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बड़ी आसानी से हीरो बन सकते हैं, इसलिए 1972 में वो मुंबई आ गए और स्ट्रगल शुरू कर दी। वो हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन मुंबई में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे रोल किए। बड़ी गड़बड़ी हो गई थी यार, तुझे नहीं मालूम? बट मैन, तुम कैसा आदमी है, ये वक्त आने का है क्या? यार तुझे नहीं मालूम, रास्ते में एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। नारंग साहब, हमारा ट्रक भुसावल से सामान लेकर आ रहा था, रास्ते में जेके और उसके आदमियों ने ड्राइवर को बुरी तरह से मारा पीटा और हमारा ट्रक और सामान लेकर चले गए। देखा तुमने, 40 लाख का सामान था उसमें। शरद जी छोटे छोटे रोल करते रहे और साथ साथ स्ट्रगल भी करते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद से, और सलीम जावेद ने उन्हें अपनी फिल्म काला पत्थर, जो आई थी 1979 में, एक अच्छा रोल दे दिया, और उस कैरेक्टर का नाम था धन्ना, जिससे उनको थोड़ी सी रिकग्निशन मिली। शरद जी कहते हैं कि उस जमाने में, यानी 70s और 80s के दौर में, जब भी कोई मस्कुलर एक्टर आता था तो उसे एक फाइटर और एक पहलवान की नजर से देखा जाता था। मैंने 20-25 साल फाइटर के रोल किए। आ जा नीचे, अब तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आ जा। शरद जी फिल्में करते रहे और एक अच्छे और बड़े रोल का इंतजार करते रहे। वो कहते हैं कि 1998 मेरे लिए बहुत लकी ईयर था, क्योंकि उस ईयर में मेरी एक फिल्म आई गुलाम, और उसमें मेरा तसल्ली बख्श रोल था रॉनी का, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद मुझे अच्छे और बड़े रोल मिलेंगे विलन के, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तू अपनी औकात भूल गया है बच्चे, तुझे मार मार के मैं इस मोहल्ले के सामने तेरी मिसाल बना दूंगा। आज साले आ, तू मेरा जिगरा देखना चाहता है ना? आज साले आ। शरद जी कहते हैं कि मैं एक जैसे रोल करते करते और एक जैसे डायलॉग बोलते बोलते थक गया था,
और डायलॉग कुछ ऐसे थे, यस बॉस, नो बॉस, गलती हो गई बॉस, माफ कर दीजिए बॉस, वगैरह वगैरह। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि मुझे कोई ऐसा रोल मिले जिसमें मैं अपने एक्टिंग के जौहर दिखा दूं। और ऐसे ही हुआ, मेरी दुआ कबूल हो गई और 2002 में मेरी एक फिल्म आई, तुमको ना भूल पाएंगे, जिसमें मैंने सलमान खान के पिता का रोल किया था और लोगों को बहुत पसंद आया। बिटवा जानो तो किसका फोन आया रहा? नहीं बाबूजी, तोहार होए वाले ससुर जी का। का कहें ससुर जी? वो कहत रहे कि लंच टाइम पर खाने के लिए आ जा, वीर को साथ में ले आ, सब लोग मिलना चाहते हैं। तो आप का बोले? हम कहे बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन अगर तुम ये दूध नहीं पियोगे हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। शरद जी बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, उन्होंने अपने करियर में अलग अलग किस्म के रोल किए, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इमोशनल भी और कॉमेडी भी। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुप ताले तुप, नहीं तो मैं तुप से उला दूंगा। शरद जी ने हिंदी फिल्मों के अलावा भी कई रीजनल फिल्म्स में काम किया। दयचेयंडी वंशी कृष्ण गारु, दयचेयंडी, ఒక ఆట ఆడతావా? వచ్చింది నీ ఆట కట్టించడానికి. అలాగా ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేయటంలో నాకు నేనే. శరత్ జీ ఆజ్ కి జనరేషన్ కి లియే ఎక్ మిసాల్ హై. వో మాషాల్లా 72 కే హో గయే, అభి బహుత్ ఫిట్ హై, రోజ్ ఎక్సర్సైజ్ కర్తే హై, వెబ్ సిరీస్ కర్తే హై ఔర్ ఫిల్మే భీ కర్ రహే హై ఔర్ అక్సర్ కహతే హై కభీ హార్ మత్ మానో, ఉన్ లోగో కో యాద్ రఖో జిన్హోనే కహా థా కి భయ్యా తుమ్సే కుచ్ నహీ హో పాయేగా. दोस्तों हम आपको बता दें, शरद जी की वाइफ का नाम है शोभा, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम है विशाल और वो कनाडा में सेटल है, और बेटी वीरा एक बहुत अच्छी सिंगर है और एक्ट्रेस भी हैं। आजकल शरद जी मुंबई में रहते हैं अपने फैमिली के साथ और बहुत खुश हैं, और हाँ रोज एक्सरसाइज करते हैं और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।